सारा मेरी बात तो सुन लो, क्या कर दिया मैंने? क्या प्रॉब्लम है सुहेब, क्यों रोका मुझे? क्या हो गया है, क्या कर दिया मैंने? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चले जाओ यहाँ से। मेरी गलती क्या है ये तो बता दो। क्या हो रहा है चाची? प्लीज अपनी लाडली को समझाएं। पता नहीं इसको क्या हो गया है, सुबह से उसके पीछे पीछे घूम रहा और बता ही नहीं रहे इसको क्या हुआ है। क्या हुआ सारा, तुम सुहेब से क्यों नाराज हुई हो? मम्मा से मेरी शिकायतें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देख रही हैं चाची? अम्मा प्लीज आप हमारे बीच में मत आइएगा। चाची आप जरूर आए और इसे पूछें कि मेरी गलती क्या है, मैंने क्या कर दिया और क्या बोल दिया ऐसे कि उसको इतना बुरा लगा है, और आखिर क्यों मुझसे बात नहीं कर रही? बस नहीं करनी तो नहीं करनी बात। हुआ क्या है सुहेब? मामा आप बताएं ना, मैं ममानी जान को क्या जवाब दूं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मैं तो कहती हूँ एक बार लड़की को देख लें, आखिर एक बार देखने में हर्ज ही क्या है मामा। क्या बात है, किस लड़की को देखने की बातें हो रही हैं? अच्छा समीना तुम आ गई, तुमसे ही मशवरा कर लेते हैं। ममानी जान अपनी भांजी का बता रही थी सुहेब भाई के लिए। वैसे तो वो लोग अमेरिका में रहते हैं, मगर लड़की को चरसे के लिए यहाँ पाकिस्तान आई हुई है, तो ममानी जान चाहती हैं कि हम एक नज़र लड़की को देख लें। अब तुम ही बताओ समीना मैं क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लड़की बचपन से ही वही अमेरिका में पली बड़ी है, उसकी नेचर भी हमें नहीं पता, कैसी तरबियत हुई हुई है, और तुम्हें तो पता है गैर लोगों से मुझे बहुत डर लगता है, मुझे नहीं आ रहा समझ में। मामा हर लड़की एक जैसी थोड़ी होती है, आप एक बार मिलकर तो देखें, हो सकता है आपको वो पसंद आ जाए। मानूर भाभी बिल्कुल ठीक कह रही, अब इस तरह से हम आग बंद करके किसी पर भरोसा तो नहीं कर सकते ना। तो मैं देखा था ना, मैंने भरोसा किया था हादे पर, क्या हुआ पछताई ना मैं। भाभी अगर हाँ समीना तुम क्या कहना चाह रही हो? भाभी अगर आप सुहेब के लिए मेरी सारा को पसंद कर लें। घर की बच्ची है, आपके सामने पली बड़ी है। कह तो तुम ठीक रही हो, आप तो जानती है ना सुहेब और सारा कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं, बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, बल्कि जुहेब तो अपनी शॉपिंग तक नहीं करता सारा के बगैर। आप तो जानती है ना मानूर को मैंने बहू नहीं बेटी बना के रखा हुआ है। भाभी अभी मेरी बेटी को अपनी बेटी बना ले, फिर ऐसे हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है सोच कर बताती हूँ। भाभी इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं आपके जवाब की मुंतजर रहूंगी।